अयोध्या रामलीला मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम से लौटे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के धर्मगुरु डॉक्टर देव सिंह अदिति का मुरादाबाद पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस मौके पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूछने पर धर्मगुरु डॉक्टर देव सिंह अदिति ने कहा कि 5 अगस्त का अयोध्या में जो दृश्य था वे देखने लायक था, ऐसा अपने जीवन में मैंने पहले कभी नहीं देखा। कल अयोध्या का पूरा माहौल रामलीला के भक्ति में लीन था। पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरा रामलला के भूमि पूजन में शामिल होना वाल्मीकि समाज के लिए एक गौरव की बात है। इस मौके पर धर्मगुरु का स्वागत में अजीत मित्तल, सोनू शाह, भावादर्श के राष्ट्रीय निर्देशक लल्ला बाबू द्रविड़, बलवीर भारती, रवि द्रविड़ शामिल रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और राम मंदिर के भूमि पूजन को ऐतिहासिक बताते हुए भारत में रामायण युग की शुरुआत बताई। इस अवसर पर उमेश कटारिया, सुमित कटारिया, आदेश कुमार, रॉबर्ट चौधरी, राम किशोर, जगजीवन, विशाल सरन, विक्की बादशाह, सोनू वाल्मीकि, रोहित भारती, दिवेश वाल्मीकि, हरिओम वाल्मीकि, राजू आदिवासी आदि लोग मौजूद रहे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का सर्वोच्च निर्देशक हूँ। हमारे गुरुजी को अयोध्या में बुलाने पर हमारे पूरे कौम में एक बहुत बड़ा हर्ष और बहुत उत्साह है और बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी को वहाँ बुलाया गया और वहाँ उनको बुलाकर सबके साथ सम्मिलित करके हमारा गौरव बढ़ाया है। और यहाँ पर लौटते समय सभी जो यहाँ के भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उन्होंने इनका स्वागत किया है और सब स्वागत करके गौरव माए अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने गुरु जी का स्वागत किया है। और ऐसे गुरु जी जो हमें मिले हैं जो पूरे विश्वविख्यात गुरु जी हैं तो वाल्मीकि समाज इन पर गर्व करता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 492 साल पहले अयोध्या का जो श्री राम मंदिर था उसका कोर्ट में केस चल रहा था, उसकी सफलता मिली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भगवान वाल्मीकि की हुई लिखी हुई रामायण जो संसार की प्रमाणिक रामायण है वो पेश की गई। उसमें लिखा हुआ था जब सूरज मेष राशि में होगा, मंगल मकर राशि में होगा, शनि तुला राशि में होगा, शुक्र मीन राशि में होगा और बृहस्पति चंद्रमा के साथ कर्क लग्न में विराजमान होंगे तब श्री राम का जन्म हुआ था। उससे पहले संसार को पता ही नहीं था, कोर्ट में ये बात चल रही थी कि भी वो राम तो हुआ ही नहीं। विपक्ष कह रहा था वो राम तो हुआ ही नहीं, तो भगवान वाल्मीकि की रामायण के द्वारा ही वहाँ ये प्रमाणित हुआ कि भगवान वाल्मीकि की रामायण के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि वे राम हुए हैं, उनका अस्तित्व है, उनका जन्म स्थान अयोध्या है, वहाँ बनना चाहिए। कल अयोध्या में जब हमें बुलाया गया, RSS ऑफिस से फोन आया था मुझे, तो दिल्ली से उनके द्वारा मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे इतना सुंदर लगा कि अयोध्या का बच्चा दीपमाला कर रहा है और इतने लोगों में जोश थी कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान वाल्मीकि जी की रामायण के नायक श्री राम हैं। अगर वाल्मीकि भगवान और श्री राम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर रामायण में से वाल्मीकि को निकाल दिया जाए तो राम नहीं रहता, अगर रामायण में राम से वाल्मीकि को छोड़ दिया जाए तो राम नहीं रहता, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की तरफ से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये जो श्री राम का मंदिर बना है, और मैंने ये डिमांड भी की थी और उन्होंने पहले मान भी ली कि वहाँ भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा लगेगी, उन्होंने आग्रह भी किया, मैंने उनसे मौखन रूप से द्वारा उनको समझाया, उन्होंने मान ली। जय वाल्मीकि। तो कैसा माहौल था वहाँ पे, मतलब जब रामलला की शिलान्यास किया गया मंदिर का? वहाँ तो माहौल ऐसा था जी, 7 चक्रों की सुरक्षा से, वहाँ तो मक्खी भी पर नहीं मारती थी। हमारे पास पार थे उनको भी रोका गया, बड़ी मुश्किल से पास दिखाए, उनको समझा, फिर आगे वहाँ से फोन आया, फिर जाने दिए। पासों द्वारा भी उनकी एंट्री काफी थी, आम आदमी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते वहाँ जाएगा। वाल्मीकि समाज के लिए जो बुलाया गया है आपको कैसा महसूस करता है समाज आपको बुला के? मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि मैं भगवान वाल्मीकि महाराज का प्रचार कर रहा हूँ और भगवान वाल्मीकि जी का प्रचार कर रहा हूँ तो रामायण का प्रचार करता हूँ। उसके लिए मैंने एक डिमांड भी रखी है वहाँ, मैंने कहा कि वाल्मीकि रामायण ये आपके साथ नेपाल देश है,
वहाँ भगवान वाल्मीकि की रामायण का जो श्लोक है, अपि स्वर्णमी लंका नमम रोचते लक्ष्मण जननी और जन्मभूमि स्वर्ग देवी ऋषि, उनका राष्ट्रीय श्लोक बनाए। तो मैंने डिमांड की है कि वाल्मीकि रामायण को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए।